इस सेक्शन में हम 2.2 के क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे विच इज अबाउट एक्स इंटरसेप्ट एंड वाई इंटरसेप्ट। तो एक्स और वाई इंटरसेप्ट होता क्या है, आपके पास एक्स वाई प्लेन होता है जिसको हम रिप्रेजेंट करते हैं इस एक्स एक्सिस और इसको कहते हैं वाई एक्सिस। एक्स एक्सिस के ऊपर जितने जहाँ भी आप एक्स एक्सिस के ऊपर हो तो वहाँ वाई की वैल्यू क्या होती है, ज़ीरो, क्योंकि इस पॉइंट को इस पॉइंट की वैल्यू क्या है, ज़ीरो ज़ीरो। तो आप एक्स के ऊपर जहाँ पे भी जाएंगे वहाँ पे वाई की वैल्यू क्या होगी, ज़ीरो, ठीक है। तो इस पूरी एक्स एक्सिस के ऊपर वाई की वैल्यू क्या होती है, ज़ीरो। और इसी तरह वाई के ऊपर आप ऊपर जाएं या नीचे जाएं तो एक्स की वैल्यू क्या होगी, ज़ीरो, क्योंकि एक्स की वैल्यू नहीं चेंज हो रही, ये एक्स की वैल्यू इसके ऊपर ज़ीरो है, यहाँ पे वाई की वैल्यू ज़ीरो है, ठीक है। एक्स इंटरसेप्ट क्या होता है, वो इक्वेशन, वो लाइन जो एक्स एक्सिस को टच करती है जिस पॉइंट के ऊपर, तो एक्स एक्सिस के जिस पॉइंट के ऊपर उसको टच करे, ठीक है, उसको हम कहते हैं एक्स इंटरसेप्ट। इसका मतलब है कि एक्स इंटरसेप्ट फाइंड आउट करने के लिए आपको क्या करना होगा, वाई को आप ज़ीरो पुट कर दें। इसी तरह वो लाइन जो वाई को टच करती है, वाई एक्सिस को टच करती है किसी भी पॉइंट के ऊपर, उसको हम कहते हैं वाई इंटरसेप्ट, ठीक है। इसका मतलब है कि वो पॉइंट हम कैसे हासिल कर सकते हैं, जब हम एक्स को ज़ीरो पुट कर दें, ठीक है। तो इसीलिए जब हमने एक्स इंटरसेप्ट वाई इंटरसेप्ट को फाइंड आउट करना हो तो हम पुट कर देते हैं एक्स इज इक्वल टू ज़ीरो, और जब आपने एक्स इंटरसेप्ट को फाइंड आउट करना हो तो हम वाई को ज़ीरो पुट कर देते हैं। तो 1 से 20 क्वेश्चन में हमने एक्स और वाई इंटरसेप्ट को फाइंड आउट करने हैं फॉर द गिवन लीनियर इक्वेशन। 3x-4y = 24 आपको गिवन है। इसका अगर हमने एक्स इंटरसेप्ट फाइंड आउट करना है तो हम सब्सटीट्यूट करते हैं इस इक्वेशन में क्या चीज़, y = 0। तो इक्वेशन में जहाँ जहाँ पे वाई था उसकी जगह पे हमने ज़ीरो पुट कर दिया। 3x-4x0 = 0, तो आपके पास सिर्फ 3x रह जाएगा एंड 24 एज इट इज नीचे आ जाएगा। अब हमने 3 को कैंसिल करना है, तो हाउ डू वी कैंसिल इट, वी डिवाइड बोथ साइड्स बाय 3, तो इधर भी 3 से और इधर भी 3 से, तो दिस कैंसल्स आउट द 3, वी आर लेफ्ट विद x, और 8 3s are 24, सो x इज इक्वल्स टू 8। अब x की वैल्यू 8 है, y की वैल्यू 0 है, तो x इंटरसेप्ट क्या है, x कॉमा y इज, x इज 8, y इज 0। अब अगर हमने y इंटरसेप्ट फाइंड आउट करना है उसके लिए हम क्या करते हैं, एक्स को ज़ीरो पुट कर देते हैं। तो अगेन सेम इक्वेशन में अब हम यहाँ पे एक्स की जगह पे ज़ीरो पुट कर देते हैं, तो एक्स की जगह पे ज़ीरो पुट कर दिया, -4y एज इट इज़ आ गया एज इक्वल्स टू 24। तो -4y = 24 दोनों सेट में -4 से डिवाइड कर दिया, -4 -4 के साथ कैंसिल, और 4 times 6 = 24, सो माइनस यहाँ पे एक रह गया तो दैट बिकम्स -6। y इंटरसेप्ट इज x, क्योंकि हमारा 0 है, y हमने ऑलरेडी निकाल दिया -6, तो ये आपका हो गया y इंटरसेप्ट। इस तरह आपने सारे इक्वेशंस के x और y इंटरसेप्ट फाइंड आउट करने हैं। -2x + 5y = -20 में x इंटरसेप्ट के लिए आप y को 0 पुट कर दें, तो y 0 पुट कर दिया, -2x रह गया, दोनों सेट में -2 से डिवाइड कर दिया, वी लेफ्ट विद 10, सो आप एक्स वाई क्या आएगा, 10 0। y इंटरसेप्ट के लिए x को 0 पुट कर दें, तो यहाँ पे x की जगह पे 0 पुट कर दिया, 5y = -20, दोनों साइड 5 से डिवाइड कर दिया, एंड यू राइट डाउन द इंटरसेप्ट। थर्ड में अगेन सेम प्रोसीजर, सिंपल। फोर्थ अगेन 4x + 2y = 36, एग्जैक्टली द सेम प्रोसीजर। हाँ, यहाँ पे अब -4x = 12। तो अगर आप देखें यहाँ पे y की वैल्यू नहीं है, तो x इंटरसेप्ट के लिए हम क्या करते हैं, y को 0 पुट कर देते हैं, लेकिन इसमें y है ही नहीं, इस इक्वेशन में y है ही नहीं, तो इसको अगर आप सॉल्व कर दें यू गेट -4x = 12, दोनों सेट पे -4 से डिवाइड करें तो x = -3। अगर इसको हम ग्राफिकली रिप्रेजेंट करें, x = -3 मीन्स 1 2 3, अगर ये -3 है तो x = -3 का ये मतलब है ये लाइन, ठीक है। अब इस पूरी लाइन के ऊपर अगर आप देखेंगे y को टच कभी नहीं करेगा, तो इसीलिए
इसका वाई इंटरसेप्ट नहीं होगा, लेकिन ये एक्स को एक जगह पे टच कर रहा है, कौन सी जगह पे, माइनस थ्री के ऊपर, तो इसलिए एक्स एक्स इंटरसेप्ट क्या है, माइनस थ्री कॉमा जीरो, जो ये वाली वैल्यू है। अब वाई इंटरसेप्ट के लिए हम क्या करते हैं, एक्स को जीरो पुट कर देते हैं। अगर हम इस इक्वेशन में एक्स को जीरो पुट कर दें, इसी क्वेश्चन में अगर एक्स को जीरो पुट कर दें तो हमारे पास आ जाएगा जीरो, और जीरो इज नॉट इक्वल टू ट्वेल्व, यहाँ से आ रहा है माइनस फोर टाइम्स जीरो इज जीरो, और इस जीरो इक्वल टू ट्वेल्व नहीं है, ये इक्वेशन ट्रू नहीं है, इसीलिए इसका वाई इंटरसेप्ट कोई नहीं है। ये मैंने आपको लाइन ड्रॉ करके बता दिया, ठीक है। अगेन इस इक्वेशन को देखें, इसके अंदर वाई की वैल्यू नहीं है, जब हम वाई को जीरो पुट कर देते हैं, y को जीरो सपोज कर लेते हैं, इस इक्वेशन को सॉल्व कर देते हैं, 300 को दूसरी साइड पे लेके जाएं, माइनस 10 से डिवाइड कर दे दोनों साइड्स पे, आपके पास 30 आ जाएगा। तो दिस इज योर x इंटरसेप्ट, y इंटरसेप्ट अगेन नहीं है, क्योंकि इसको अगर आप प्लॉट करें तो x की वैल्यू क्या है, 30, 10, 20, 30, अगर ये 30 हो तो दिस इज द लाइन। अब ये लाइन x एक्सिस को तो यहाँ पर टच कर रही है, इंटरसेक्ट कर रही है, y एक्सिस को नहीं कर रही, तो इसीलिए वाई इंटरसेप्ट नहीं है। उसको हम कैसे चेक करते हैं, एक्स को जीरो पुट करके, जब हमने एक्स को जीरो पुट किया तो हमारे पास आंसर आ गया 300, इज 300 इक्वल टू जीरो, नो, सो देयर इज नो वाई इंटरसेप्ट। अगेन इसमें अगर आपके पास इस तरह की सिचुएशन आ जाए जिसमें देखें कि एक्स भी है वाई भी है और राइट हैंड साइड क्या है, जीरो है, तो उसके लिए आप एक्स को जीरो पुट करेंगे तो वाई भी जीरो आ जाएगा, और अगर आप वाई को जीरो पुट करें तो एक्स जीरो आ जाएगा। इसमें अगर मैं एक्स इंटरसेप्ट फाइंड करना है तो वाई को जीरो पुट कर दें, जब वाई जीरो आ जाएगा तो ये पूरे टर्म जीरो, तो एक्स इज इक्वल टू जीरो आ गया। इसी तरह अगर मैंने वाई इंटरसेप्ट फाइंड करना हो तो मैं एक्स को जीरो कर देता हूँ, अब अगर मैं एक्स को जीरो कर दूँ तो माइनस टू वाई इक्वल टू जीरो, दोनों साइड में माइनस टू से डिवाइड करें वाई इक्वल टू जीरो, तो दोनों केसेस में एक्स इंटरसेप्ट भी जीरो है और वाई इंटरसेप्ट भी जीरो जीरो है। सिमिलर कंसेप्ट इन दिस वन, अगर मैं वाई को जीरो कर दूं तो एक्स जीरो आ रहा है, अगर मैं एक्स को जीरो कर दूं वाई इंटरसेप्ट के लिए तो वाई जीरो आ रहा है। इस केस में वही सेम चीज आपने अप्लाई करनी है, एक दफा वाई को जीरो कर दें पुट, एक्स की वैल्यू निकाल दें, यू गेट दिस थिंग, y को x को जीरो पुट कर दें तो यू गेट द y वैल्यू माइनस फोर। दीज आर सिंपल कैलकुलेशन, यू कैन डू दैट, x प्लस वाई डिवाइड बाई टू इज इक्वल टू थ्री एक्स माइनस टू वाई प्लस 16। ये थोड़ा सा डिफरेंट है, x इंटरसेप्ट के लिए हम y को इक्वल टू जीरो पुट कर दें, इस y की जगह पे जीरो पुट कर दिया, इस y की जगह पे जीरो पुट कर दिया, सिंपल इक्वेशन बनी है, इस इक्वेशन को सॉल्व कर दें, दोनों साइड पर टू से मल्टीप्लाई कर देते, ये नीचे वाला टू कैंसिल हो जाएगा, इसके साथ भी टू मल्टीप्लाई, इसके साथ भी टू मल्टीप्लाई, सिक्स एक्स 32, सिक्स एक्स को दूसरी साइड पे लें तो दोनों साइड पे माइनस सिक्स ऐड कर दें तो आपके पास आ जाएगा माइनस फाइव इज इक्वल टू 32, और माइनस फाइव से दोनों साइड पर डिवाइड कर दें तो एक्स आपके पास आ गया। तो ये आपका एक्स इंटरसेप्ट इज दिस इज इक्वल टू जीरो। वाई इंटरसेप्ट के लिए हम एक्स को जीरो पुट कर देते हैं, इस इक्वेशन में जहाँ जहाँ एक्स है वहाँ पे जीरो पुट कर दिया, यहाँ पे एक्स जीरो, यहाँ पे एक्स जीरो, इक्वेशन बनी इन टर्म्स ऑफ वाई, इसको अगेन सिमिलरली सॉल्व करें फॉर वाई एंड द आंसर यू गेट इज 32/5, सो 0 32/5 इज योर वाई इंटरसेप्ट। सिमिलरली यू कैन डू दिस वन, एक दफा एक्स को जीरो वाई को जीरो पुट कर दें फॉर एक्स इंटरसेप्ट, एक्स को जीरो पुट कर दें फॉर वाई इंटरसेप्ट। सिमिलर क्वेश्चन, एक्स वाई को जीरो पुट कर दें, यू गेट एक्स इज माइनस सिक्स, एक्स को जीरो पुट कर दें, जब सॉल्व करेंगे तो वाई वुड बी 10। इसमें अगेन सिर्फ वाई है, अब इसमें एक्स नहीं है, तो अगर हम इसमें वाई को जीरो पुट कर दें तो वी गेट 15 टाइम्स जीरो इज जीरो, माइनस 90 इज इक्वल टू जीरो। क्या माइनस 90 जीरो के इक्वल है? नहीं है, इसका मतलब है हमारे पास एक्स इंटरसेप्ट नहीं है। अगर इसको हम ग्राफिकली देखें तो इसको जब सॉल्व कर देते हैं, इसी क्वेश्चन को वाई इंटरसेप्ट की तरफ आते हैं, पहले जब हम एक्स को जीरो पुट कर दें, एक्स इसके अंदर है ही नहीं, तो हमने इसी क्वेश्चन को सॉल्व करना है,
इसी क्वेश्चन को अगर हम सॉल्व करते हैं तो ये बन जाएगा 15y = 90, और दोनों साइड पर अगर हम 15 से डिवाइड कर दें तो आंसर हमारे पास 6 आएगा। तब अगर ये 1, 2, 3, 4, 5, 6 तो ये इक्वेशन बनेगी y = 6 की। अब ये y एक्सेस को यहाँ पे 6 के ऊपर इंटरसेक्ट कर रहा है, लेकिन ये x को इंटरसेक्ट नहीं कर रहा, तो इसीलिए हमारे पास y इंटरसेप्ट तो है 0, 6, लेकिन x इंटरसेप्ट जो है वो नहीं है। अगेन सिंपल कैलकुलेशन से आप y को 0 पुट कर दें, x की वैल्यू कैलकुलेशन करेंगे तो ये निकल आएगी -36, x को 0 पुट करेंगे तो y क्या आ जाएगी -6। अब यहाँ पे ax + by = t, a और b कोई सभी कांस्टेंट वैल्यूज हैं, इस तरह 3, 4, 5 होते हैं। तो आप एक दफ़ा y को 0 पुट कर दें, जब ये y को 0 पुट कर देंगे तो ax = t रह गया, दोनों सेट a से डिवाइड किया x = t/a, तो ये आपका x इंटरसेप्ट हो गया। y के लिए हम x को 0 पुट कर देते हैं, अभी x 0 हो गया तो by = t, दोनों सेट पे b से डिवाइड किया, y = t/b, और ये आपका y इंटरसेप्ट। अब अगेन सिमिलर थिंग इज सी एंड डी एंड ई, तो आप y को एक दफ़ा 0 पुट करेंगे तो x की वैल्यू निकल आएगी, x को 0 पुट करेंगे तो y की वैल्यू निकल आएगी, एंड दैट गिव्स यू x एंड y इंटरसेप्ट। अब इसमें देखें अगेन सेम ही चीज़ थी कि x = 20 और समथिंग, तो यहाँ पे q भी एक नंबर है, p भी एक नंबर है, y इसके अंदर नहीं है, तो अगर हम y को 0 पुट कर दें तो इसको आप सॉल्व कर दें, दोनों साइड पे p से डिवाइड कर दें, गेट x = q/p, तो दिस इज योर x इंटरसेप्ट। y इंटरसेप्ट नहीं होगा क्योंकि y इंटरसेप्ट के लिए हम क्या करते हैं, x को 0 पुट कर देते हैं। अगर मैं x को 0 पुट कर दूं तो p टाइम 0 इज 0, इज 0 = q, अगर q 0 नहीं है, दिस q वैल्यू, द वैल्यू ऑफ दिस वन इज नॉट 0, अगर ये 0 नहीं है तो 0 इज नॉट इक्वल्स टू क्यू, ठीक है। फॉर इंस्टेंस q इज 10, 0 इज नॉट इक्वल्स टू 10, ठीक है, तो इस केस में क्या होगा, इंटरसेप्ट कोई नहीं होगा। लेकिन अगर q इज इक्वल्स टू 0 होगा तो बहुत सारे y इंटरसेप्ट हो सकते हैं, ठीक है, इनफाइनेटली नंबर्स ऑफ y इंटरसेप्ट हो सकते हैं। इसी तरह इस क्वेश्चन में अगेन y को 0 पुट कर दें, जहाँ जहाँ भी y है, बाकी जो फंक्शन बचा उसमें आप क्या करें कि x को कॉमन ले लें, x वाले टर्म को सबको लेफ्ट साइड पर लेके आए, उसमें से x कॉमन ले लें, जो बाकी चीज़ें बची हैं ये, और अब इन एट d माइनस जी से दोनों साइड पर डिवाइड कर दें तो आपके पास x की वैल्यू आ जाएगी, एंड दैट इज योर x इंटरसेप्ट। y इंटरसेप्ट करें, आप x को 0 पुट कर दें तो जहाँ जहाँ x था वहाँ 0 पुट कर दिया, अब जो वैल्यूज बची हैं उसमें y वाली टर्म्स को लेफ्ट पे लेके आए, बाकी टर्म्स को राइट पे लेके जाएं, ठीक है। अब इसमें y कॉमन है तो y कॉमन ले लें, जो बाकी चीज़ें बचती हैं ये दोनों साइड पे इसी नंबर से डिवाइड कर दें तो आपके पास y की वैल्यू आ जाएगी, एंड दैट इज योर y इंटरसेप्ट। अगेन -ry = s, ये भी उसी तरह p x = q, अब इसमें सिर्फ y है, उसमें x था, अगर हम y को 0 पुट कर दें तो -r × 0 = s, तो 0 = s, 0 s के इक्वल कब होगा, अगर s 0 है, और अगर s 0 नहीं है, s कोई भी वैल्यू है, फॉर इंस्टेंस s इज 9, तो 0 = s, तो इस केस में क्या होगा, अगर s 0 के इक्वल नहीं है तो नो इंटरसेप्ट, x इंटरसेप्ट, लेकिन अगर s 0 के इक्वल है तो फिर बहुत सारे x इंटरसेप्ट्स आ सकते हैं, ठीक है। ये बन जाएगा y = s/-s/r, ठीक है। तो y इंटरसेप्ट के लिए हम क्या करते हैं, अगर x को 0 पुट कर दें, x इसके अंदर है ही नहीं, हम सिंपल इसको सॉल्व कर दें, हमारे पास वैल्यू आ जाएगी -s/r, 0 = -s/r, दैट इज योर y इंटरसेप्ट।
इसमें भी अगेन y को 0 पुट करने x की वैल्यू निकल आएगी, x को 0 पुट करें तो y की वैल्यू निकल आएगी, एंड दीज आर x एंड y इंटरसेप्ट्स। 21 टू 36 क्वेश्चन में कहा गया कि ग्राफ द लीनियर इक्वेशन, ठीक है। तो लीनियर इक्वेशन को जब भी आपने प्लॉट करना हो, यू नीड ओनली टू पॉइंट्स, या तो आपको x और y इंटरसेप्ट्स चाहिए, दिस इज y इंटरसेप्ट, दिस इज x इंटरसेप्ट, और ये आप तब निकाल सकते हैं अगर आपका राइट हैंड साइड जो है वो ज़ीरो ना हो। अगर ये ज़ीरो हो तो फिर आप ये दोनों सेम ही पॉइंट्स आएंगे, इसीलिए आप डिफरेंट पॉइंट्स यूज़ कर सकते हैं बजाय इंटरसेप्ट्स के। तो अगर हमने 2x-3y = -12 को प्लॉट करना हो, वी जस्ट नीड टू पॉइंट्स, कोई से भी टू पॉइंट्स आप ले सकते हैं। आसान तरीका क्या होता है कि आप x और y इंटरसेप्ट फाइंड आउट करें। अगर मैं x को ज़ीरो पुट कर दूँ इस इक्वेशन के अंदर, जहाँ जहाँ भी x है वहाँ ज़ीरो पुट कर दूँ, तो y की वैल्यू निकल आएगी। तो एक पॉइंट हो गया, x जब ज़ीरो है तो y क्या है, 4 है, एक ये पॉइंट हो गया। दूसरा, अगर मैं y को ज़ीरो पुट कर दूँ जहाँ जहाँ y इक्वेशन में, तो उससे हमारे पास x की वैल्यू आ जाएगी, तो ये दूसरा पॉइंट हो गया x और y। अब अगर मैं इसको प्लॉट कर दूँ, x 6 है तो y 0, x इंटरसेप्ट आ गया, जब x 0 है तो y 4 है, तो ये आ गया। अब इन दोनों पॉइंट्स को ज्वाइन करके एक्सटेंड कर दें तो ये बन जाएगी ग्राफ ऑफ योर लीनियर इक्वेशन। जो भी लीनियर इक्वेशन थी, इसका ग्राफ बन जाएगा या इसकी लाइन बन जाएगी। -6 -3x + 6y = -30, इसमें अगर मैं x को ज़ीरो पुट कर दूं, x ज़ीरो है तो y की वैल्यू इधर से निकालें, दोनों साइड पर 6 से डिवाइड करें, -5 आ जाएगा। और अगर मैं y को ज़ीरो पुट कर दूं तो -3x = -30, दोनों साइड पर -3 से डिवाइड करें तो 10 ज़ीरो आ जाएगा। ये कैलकुलेशन बहुत सिंपल है, यू कैन डू दैट। इसी तरह इसके दो पॉइंट्स हमने निकाल दिए, -08 और 04, दोनों को मिला दिया। इसके 0 और -4 5 था, एंड 10 और 0 था, इनको मिला दिया। 24 में अगर आप देखें तो सेम चीज, आपने पॉइंट निकाले, x को 0 पुट किया, y 8 आ गया, y को 0 पुट किया, x जो है वो -3 आ गया। इसमें हमने x को 0 पुट किया तो y की वैल्यू -5 और 2, और y को 0 पुट किया तो x की वैल्यू -10, x को 0 पुट किया y की वैल्यू -12, y को 0 पुट किया x की वैल्यू -9। सिंपल ड्रॉ द ग्राफ, x को 0 पुट किया। अब ये देखना, इसमें अगर मैं x को 0 पुट करूँ तो y भी 0 आता है, y को 0 पुट करूँ तो भी x 0 आता है, तो सेम ही पॉइंट आएगा वो 0 0 वाला। इसीलिए मुझे एक और पॉइंट चाहिए होगा, कोई भी डिफरेंट पॉइंट, तो आप कोई भी वैल्यू पुट कर दें। अगर मैं x को ऐड रखता हूँ तो y की वैल्यू -3 आएगी, और या अगर मैं y को -3 रखता हूँ तो x की वैल्यू 8 आएगी। ये वो आपकी मर्जी है, कोई से भी वैल्यू पुट कर दें। अगर मैं x की जगह पे 8 पुट कर देता हूँ तो ये बनेगा 24 8y = -24, दोनों साइड पर अगर हम 8 से डिवाइड कर देते हैं तो आंसर आ जाएगा -3। आपकी मर्जी है, कोई भी पॉइंट आप चूज कर सकते हैं। तो ये 0 0 आ गया एक पॉइंट, और एक x = 8, जब आपने इसको प्लॉट करना होता है तो x एक्सिस के ऊपर एक डॉटेड लाइन ड्रॉ कर दें पैरेलल टू y एक्सिस, -y = -3 का मतलब है कि आप -3 के ऊपर एक पैरेलल लाइन ड्रॉ कर दें, जहाँ पे इन दोनों का इंटरसेक्शन होगा वो आपका पॉइंट होगा 8 - 3। फिर उस पॉइंट से लेकर जो दूसरा पॉइंट है 0 0, उसको आप ज्वाइन करके एक्सटेंड करते हैं, ये लाइन बन जाएगी। 28 में 10x - y = 0, तो एक पॉइंट आप x को 0 पुट कर दें, y की वैल्यू 0 निकल आएगी। दूसरा आप कोई भी पुट कर सकते हैं, आपकी मर्जी है। मैंने अगर x को 2 पुट कर दिया तो 10 2 - 5y = 0, तो -5y = यहाँ से 20 आ जाएगा, 20 जब उस तरफ जाएगा तो -20 हो जाएगा, दोनों साइड पर अगर हम -5 से डिवाइड कर दें तो आंसर क्या आएगा, 4। जब x को 2 रखा तो y क्या आ गया, 4 आ गया। वो आप सिंपल स्केच कर दें, 1 0 0 है, x 2 है, तो आपने 2 के ऊपर डॉटेड लाइन ड्रॉ कर दी, y = 4, 4 के ऊपर
डॉटेड लाइन ड्रॉ कर दी, जहाँ पे इंटरसेक्ट किया वो आपका पॉइंट बन जाएगा 2, 4। इस पॉइंट को और इस पॉइंट को आप ज्वाइन करके एक्सटेंड कर दें। अगेन सिमिलर क्वेश्चन इज 29, एक दफ़ा 0, 0, दूसरी दफ़ा अपनी मर्जी का कोई भी पॉइंट, जो भी पॉइंट लेंगे इक्वेशन, ये जो लाइन है ये स्ट्रेट लाइन सेम ही आएंगी। सिमिलर क्वेश्चन 0, 0, अपनी मर्जी का कोई भी पॉइंट चूज कर लें। अच्छा अभी है -4 = 24, तो इसको जब हम सॉल्व करते हैं दोनों साइड में -4 से डिवाइड कर दें, ये -4 कैंसिल, x = -6। अब x = -6 का मतलब है कि 1, 2, 3, 4, 5, 6, x यहाँ पर -6 है, y कुछ भी हो सकता है। तो जब y x सिर्फ x गिवन हो तो हम एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करते हैं उस पॉइंट के ऊपर, यानी ये क्या होना चाहिए, पैरेलल टू एक्स एक्सिस। तो ये आपका लाइन हो गया x = -6। अब अगर जिसमें x नहीं है तो वो क्या बनेगा, वो लाइन बनेगी पैरेलल टू एक्स एक्सिस। इसको अगर हम दोनों साइड को -2 से डिवाइड कर दें तो दी आंसर इज 4.5। अब ये है 0, 0, ये x, ये y है, 4.5 का यहाँ पे y = 4.5 है, तो y नहीं चेंज हो रहा, x चेंज हो रहा है। देखें x की वैल्यू बढ़ रही है, x की वैल्यू नेगेटिव बढ़ रही है, y इज द सेम। तो जहाँ पे x नहीं होगा तो वो पैरेलल लाइन होगी y एक्सिस के, जहाँ पे y नहीं होगा तो वो पैरेलल लाइन होगी y एक्सिस के। अगेन सेम थिंग, यू गेट अ लाइन दैट इज पैरेलल टू x एक्सिस। इसमें y नहीं है तो देयर शुड बी अ लाइन पैरेलल टू y एक्सिस, तो वो ये लाइन है 8, 2.5। अब -n x = t, n पॉजिटिव है, t पॉजिटिव है, जब हमने उसको सॉल्व किया तो हमारे पास x की वैल्यू क्या आई है, ये। तो अब ये दोनों पॉजिटिव हैं, ऊपर भी पॉजिटिव नीचे भी पॉजिटिव, अगर हम उसको नेगेटिव से मल्टीप्लाई करें तो आंसर क्या आएगा, नेगेटिव। अब यहाँ पे 0, 0 है, इसके इस तरफ x क्या है, नेगेटिव है। अब कोई सा भी आर्बिट्री पॉइंट ले लें विच इज़ -t और n, और इसके ऊपर एक पैरेलल टू y एक्सिस लाइन ड्रॉ कर दें। अगेन सिमिलर इज दिस वन, अब ये y एक्सिस के अगेंस्ट है तो ये बन जाएगा लाइन पैरेलल टू x एक्सिस एट दिस पॉइंट। 37 में कहते हैं कि व्हाट इज द इक्वेशन ऑफ द x एक्सिस एंड द इक्वेशन ऑफ द y एक्सिस। अभी थोड़ी देर पहले इस बल्कि स्टार्ट में मैंने कहा था कि x एक्सिस है ये और ये y एक्सिस है। x एक्सिस के ऊपर y की वैल्यू क्या होती है, सब के ऊपर ये सारी जीरो होती हैं। x एक्सिस के ऊपर y इज जीरो, तो ये बन जाती है इक्वेशन ऑफ x एक्सिस, और y एक्सिस के ऊपर x की वैल्यू हमेशा जीरो होती है, इसीलिए इक्वेशन ऑफ y एक्सिस इज x = 0। जो आखिरी पार्ट है उसमें 38 से लेकर 59 तक क्वेश्चन में आपने क्या करना है कि स्लोप फाइंड आउट करना है, स्लोप ऑफ द लीनियर सेगमेंट। ठीक है, तो उसका फॉर्मूला है स्लोप का y2 - y1 / x2 - x1। आपको पॉइंट गिवन होगा x1 y1 x2 y2, आपने फार्मूला क्या करना है y2 - y1 / x2 - x1, इनकी वैल्यू यहाँ पे सिर्फ सब्स्टिट्यूट करनी है। देखिए हमें पॉइंट गिवन है x1 y1 x2 y2, अब सिंपल फार्मूले के अंदर इनकी वैल्यूज पुट कर दें। y2 क्या है, y2 इज -8, ठीक है, y1 क्या है इज 8, तो यहाँ का माइनस ऑलरेडी है और ये -8 हो गया, यहाँ से आंसर आ गया -16। और x2 क्या है, -2, फिर अपना माइनस यहाँ का ये आ गया, और x1 क्या है 2, -2 becomes -4, माइनस माइनस के साथ कैंसिल एंड द आंसर टू दिस वन इज 4, द स्लोप इज 4। तो 4 का मतलब है कि द स्लोप इज पॉजिटिव,
ठीक है, और इसका मतलब है कि द लायन राइजेस फ्रॉम लेफ्ट टू राइट। इसका क्या मतलब है, जब स्लोप पॉजिटिव होगा तो इसका मतलब है कि ये जो लाइन है स्ट्रेट लाइन, ये जब आप लेफ्ट से राइट की तरफ जाते हैं तो ये राइज करेगी, ठीक है ना। ये देखें राइज कर रही है लाइन, क्या होगी राइज करेगी जब आप लेफ्ट से राइट की तरफ जाएंगे। स्लोप पॉजिटिव का मतलब ये है, स्लोप नेगेटिव का मतलब है कि लाइन जो है वो फॉल करेगी जब आप लेफ्ट से राइट की तरफ जाएंगे। देखिए ये लाइन को देखना, हम लेफ्ट से राइट की तरफ जा रहे हैं तो लाइन क्या करिए फॉल कर रही है, ठीक है। और अगर स्लोप जीरो आ जाए तो ये स्लोप जो है पॉजिटिव है, ये स्लोप नेगेटिव के लिए, और अगर आपके पास लाइन क्या हो पैरेलल टू एक्स एक्सिस हो, ना उसमें राइज आ रहा है ना फॉल आ रहा है लेकिन स्ट्रेट पैरेलल जा रहा है, तो इसका मतलब है कि स्लोप क्या है इसमें जीरो है, कोई स्लोप इसके अंदर नहीं है, ठीक है। क्वेश्चन टू में ये एक्स वन वाई वन एक्स टू वाई टू, तो वाई टू इज माइनस फाइव, ये माइनस अपनी जगह पे, और वाई वन इज टेन, एक्स टू इज टू माइनस y2 is minus 3, तो ये माइनस थ्री, ये माइनस एज इट इज आ गया, यहाँ से माइनस 15, ये माइनस और माइनस क्या बन जाएगा प्लस, सो 2 प्लस 3 इज 5, जब इसको किया तो m स्लोप इज माइनस 3। अब नेगेटिव काम ने क्या किया, स्लोप इज नेगेटिव इट मीन्स द लाइन फॉल्स फ्रॉम लेफ्ट टू राइट, जब हम लेफ्ट से राइट जा रहे हैं तो लाइन क्या करिए फॉल कर रही है, ये है इसकी इंटरप्रिटेशन। अगेन आपके पास x1 y1 है, x2 y2, कैलकुलेट करें 15 माइनस 5 और माइनस 1 माइनस 3, कैलकुलेट किया तो द आंसर इज 2.5, स्लोप इज पॉजिटिव, जब पॉजिटिव स्लोप होगा तो लाइन क्या करेगी राइज करेगी फ्रॉम लेफ्ट टू राइट, ठीक है। 41 में भी अगेन द सेम थिंग, 42 स्लोप इज नेगेटिव इट मीन्स इट विल फॉल फ्रॉम लेफ्ट टू राइट, 43 में अगेन नेगेटिव, 44 में अगेन नेगेटिव, 45 में देखें y2 टू माइनस वाई वन, तो y2 टू आपके पास ये है माइनस 15, ये माइनस एज इट इज आ गया, y1 क्या है माइनस 24, y x1 x2 क्या है 5 माइनस अपनी जगह पे, और y1 x1 क्या है 8, तो वो लिख दिया, ये माइनस और माइनस जब मल्टीप्लाई में तो क्या बन जाएगा प्लस 24, सो माइनस 15 प्लस 24 डिवाइड बाय 5 माइनस 8 इज माइनस 3, सो 9 और माइनस 3 डिवाइड करेंगे तो आपका आंसर क्या आएगा माइनस 3, अगेन स्लोप इज नेगेटिव इट मीन्स द लाइन फॉल्स फ्रॉम लेफ्ट टू राइट। अब इसमें देखें 46 में स्लोप हमने निकाला है दैट स्लोप इज जीरो, y2 minus y1, 8 minus 8 is 0, 3 minus minus 2 is 5, 0 or anything is 0, so in that case the slope is 0, that means it's parallel to x-axis, jahan pe bhi slope kya 0 wahan pe parallel hoga to x-axis। acha ek aur bhi condition hai, agar slope kya ho parallel ho y-axis ke, us case mein hum kehte hain undefined slope, कि वो जो स्लोप है इसकी वो अनडिफाइंड है, ठीक है। तो वो कब आएगा, जब y2 माइनस y1 हमने किया 6 माइनस माइनस 4 और माइनस 5 माइनस माइनस 5, तो 6 प्लस 4 माइनस 5 प्लस 5, जब भी आपका डिनोमिनेटर में 0 आ जाए तो इसका मतलब इसका स्लोप अनडिफाइंड है, इट मींस इट्स पैरेलल टू y एक्सिस, तो स्लोप जब अनडिफाइंड होता है तब ये क्या होता है पैरेलल टू y axis। 48 भी अगेन इज अनडिफाइंड, यू कैन सी दैट। 49 में स्लोप इज जीरो व्हिच इज पैरेलल टू x एक्सिस, 50 में
अनडिफाइंड 51 में आप कैलकुलेट कर दें, वेरी सिंपल, इज टू अगेन ए कॉमा बी एक्स वन वाई वन एक्स टू वाई टू, सो बी माइनस बी डिवाइड बाई माइनस ए इज जीरो ओवर एनी थिंग, सो स्लोप इज जीरो। 53 का अगर आप कैलकुलेट करते हैं तो स्लोप इज बी ओवर ए। अब इस केस में देखें ना, आपके पास बी और ए दो वैल्यूज हैं, बी ओवर ए, ठीक है। अगर बी पॉजिटिव है, ए भी पॉजिटिव है, तो स्लोप क्या होगा? पॉजिटिव। अगर बी पॉजिटिव है, ए नेगेटिव है, या बी नेगेटिव है, ए पॉजिटिव है, इन दोनों केसेस में स्लोप क्या आएगा? नेगेटिव। अच्छा, जब दोनों पॉजिटिव हैं या दोनों नेगेटिव हैं, उस केस में स्लोप क्या आएगा? पॉजिटिव। अगर एक नेगेटिव है और एक पॉजिटिव है, तो स्लोप क्या आएगा? नेगेटिव। तो ये यहाँ पे डिफाइन किया गया, स्लोप नेगेटिव होगा अगर दोनों में से कोई एक नेगेटिव हो, लाइन फॉल करेगी। अगर दोनों पॉजिटिव हो या दोनों ही नेगेटिव हो, तो स्लोप क्या होगा? पॉजिटिव होगा, और उस केस में लाइन क्या करेगी? राइज करेगी फ्रॉम लेफ्ट टू राइट। अगेन इस केस में स्लोप इज माइनस सी ओवर डी, तो माइनस मल्टीप्लाई हो रहा है किस चीज़ के साथ? सी ओवर डी के साथ। तो अगर इन दोनों में से कोई एक भी नेगेटिव हो, तो आंसर इसका क्या आएगा? नेगेटिव। और वो नेगेटिव जब इसके साथ मल्टीप्लाई होगा, तो क्या बन जाएगा? पॉजिटिव। तो इसीलिए अगर दोनों में से कोई एक भी नेगेटिव हो, तो स्लोप क्या आएगा? पॉजिटिव। और अगर दोनों पॉजिटिव हो या दोनों नेगेटिव हो, तो उसका आंसर क्या आएगा? पॉजिटिव। और वो पॉजिटिव जब इस नेगेटिव से मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो आंसर क्या आएगा? नेगेटिव। तो उस केस में दोनों पॉजिटिव हो या दोनों नेगेटिव हो, स्लोप क्या आएगा? नेगेटिव। क्वेश्चन 55 को भी आप देख सकते हैं, 56 स्लोप जीरो, 57, 58 एंड द फाइनल वन इज 59, एंड यू कैन सी दैट द स्लोप ऑफ दिस वन इज नेगेटिव। सो अगर कोई क्वेश्चन है तो आप कमेंट्स का सेक्शन में पूछ सकते हैं। थैंक यू वेरी मच।